ओके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लोगों ने अपना एक न्यू यूट्यूब फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया है और दिस इज इन जर्मनी। ये तो, नाम सोचा आप लोग बताएं कैसा नाम है, कैसा नाम है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर हम लोग अगर चेंज करें तो कौन सा नाम रखें। तो अब हम ये मैग्डेबर्ग है सिटी जर्मनी की, हम आए हैं ओरिएंटा। यहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं, ऑल 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 टू ऑल हलाल एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मज़ेदार खाने भी यहाँ को खाने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से अभी जाएंगे तो पता नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में कबाब वगैरह मिलते हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पे नए शुरू किए हैं। कबाब जैसे चपली कबाब, सॉरी चपली कबाब नहीं, जो लंबे वाले होते हैं क्या, सीरियसली हाँ वो भी मिलते हैं। हाँ मतलब सही, वो इन लोगों ने तंदूरी रोटियाँ भी शुरू की थी, लेकिन शायद तंदूर का कोई मसला है तो इसलिए वो बनती नहीं। लेकिन यार खाना बड़ा अच्छा था, मैं मेरे हस्बैंड अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर, तो मुझे यहाँ आने का बड़ा ही मुझे था, मतलब मैं तुम्हारे साथ आऊँ और मतलब देखें। ये पूरी बिल्डिंग जो है ना ये सारी ओरिएंटा की है, इसका नाम है ओरिएंटा। ओरिएंटा हाँ, इस तरफ से भी तुम दिखा सकते, इस तरफ ये देखो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे खाना खाते हैं, ये जो जहाँ पे बैठ के सिटिंग एरिया जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। वाह यार ये सीरियसली यार अपने मुल्क के खाने मिलते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। बस कहाँ से ये पूरा मॉल तो है, ये बेसिकली कौन सी ये ग्रीन शिमला मिर्च वो वाली देखो, यहाँ पे धनिया भी मिलता है, आमतौर से आपको पीटर से भी मिलता है लेकिन कोरिएंडर भी मिलता है। हाँ फ्रेश कोरिएंडर जो जिसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार होती है, ज़बरदस्त होती है। अच्छा इनकी क्या मतलब 129 के जी है, 129 का हाँ के जी है। अच्छा मैं इनको इनकी प्राइस दिखा दूँ ये ज़रा, व्हाट इज़ दिस ऑलिव्स हैं 175, तो पाकिस्तानी कितने बने बताइए, कितने बने ऑलिव्स 1.75 के करीब। सॉसेजेस वगैरह चिकन की, लेकिन यहाँ पे चिकन की होंगी पे अभी नहीं, पे जो ये सब योगर्ट वगैरह है, दही और ये सारे मसाला जात, और ये देखें पिकल्स वगैरह पाकिस्तानी मसाले, और किनौर का भी है, MDH भी है, सब भी माशाल्लाह। ये देखिए शान के प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं, जबरदस्त यार। ये देखो यहाँ के चने भी पड़े हुए हैं, ये देखो बेसन वाह, घी वगैरह सब, और ये मसाले हैं ये भी मसाले हैं, ये यहाँ के मसाले हैं ना। ये देखो सबसे जो यहाँ की चीज़ है वो यहाँ का गोश्त है, लोग आते हैं बेसिकली गोश्त के लिए, हलाल आई नो या क्योंकि हर जगह तो यहाँ ये मुस्लिम कंट्री थोड़ी है, हाँ तो यहाँ पे हलाल चीज़ें तो मिलती हैं इतनी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास। देखो आगे थोड़ा दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल फ्रेश है,
तो ये है फ्रोजन चीज़ें, नगेट्स वगैरह। यहाँ के कबाब है बहुत ज़्यादा खाते हैं नूडल्स। और ये देखो लोग यहाँ पे स्टॉक बंस वगैरह पड़े हुए हैं, ब्रेड वगैरह यहाँ की। वीकेंड पे अक्सर ये शेल जो है ना खाली होते हैं। और देखो 1.99 के, हाँ पाकिस्तान के हिसाब से ये तकरीबन 600 के बनते हैं, महंगे लग रहे हैं लेकिन ये कि यहाँ के हिसाब से सस्ते हैं। माशाल्लाह यहाँ से मतलब हर चीज मिल जाती है, और मुझे मैंने यहाँ से बिस्किट्स के डिफरेंट टाइप्स हर किस्म के पाकिस्तान के जो बिस्कॉनी बिस्किट्स है ना इसके जैसे हैं। ओ मैंने लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसकी प्राइस क्या है देखो जरा, ये 1.29 यूरो के हैं, पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है ये 400 के करीब बन जाते हैं। और कितने के जी हैं? के जी नहीं बिल्कुल ही 150 ग्राम। ओह 150 ग्राम। अच्छा ये देखें ये क्या है, ये भला महंगे पाकिस्तान के ये पापड़ टाइप है, पापड़ यहाँ पे पॉप्स की बहुत पापड़। हाँ स्नैक्स लोग खाते हैं काफी शौक से, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ लेकिन आजकल मैंने जरा स्विच किया है ना, लेकिन आप ले तो रही हो। हाँ चलो एक तो ठीक है, पूरा बॉक्स तो नहीं ना ले रही, पहले तो मैं बॉक्स लेके जाती थी यहाँ से। हाँ क्योंकि मुझे स्नैक्स ही बहुत क्रेविंग है। देखें चिप्स वगैरह भी यहाँ पर फूड पैकिंग में जबरदस्त। अब जी हम आते हैं चॉकलेट्स की तरफ। ये आई चॉकलेट्स, वाओ और ये वाओ बकलावा जो टर्किश में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फेमस है लेकिन लोग बड़े ज़्यादा शौक से खाते हैं बकलावा। दिस वन बकलावा मैंने भी ये खाया है और जो बहुत ही जबरदस्त होता है यार, ये जैसे पैटीज की जो होती है ना मतलब मजा आ जाता है खाकर। उसका जो डो होती है उसके अंदर इन लोगों ने काफी कैशियोस पिस्ताशियोस ये काफी चीजें डाली होती हैं और इनकी लेयर्स बनाई होती है। ये है कि इसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, नहीं ऑयल नहीं वो शीरी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जबरदस्त खाने के बाद। हाँ मीठे के तौर पर थोड़ा सा ले सकते हो, ज़्यादा नहीं खाया जाता। अच्छा वैसे एक बात है, यहाँ पर जो अमरूद है ना अमरूद नहीं मिलते, यहाँ पर अमरूद मिलते नहीं है और अच्छे वाले आम भी नहीं मिलते, और यहाँ पर वैसे अमरूद का जूस है मतलब पाकिस्तानी अमरूद मिलते हैं लेकिन वो बेहद छोटे 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 होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे। जी व्यूअर्स अब हमारी जो वीडियो है वो अहतमाम पर पहुंचने वाली है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम यहाँ पर नए हैं तो हमारी थोड़ी सी मतलब करें
क्या कहते हैं आपकी अप्रिशिएशन क्या बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बताइएगा कि आप जर्मनी में क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, किस हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको जरूर दिखाएं और हमें जरूर बताइएगा, हम जरूर बनाएं। अच्छा ये देखो जाय नमाज है, चलें जी अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।